हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप पीएफ विड्रॉल करा रहे हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किन केसों में आपके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस कटने वाला है, इसके साथ ही कितना परसेंट तक आपका टीडीएस आपके पीएफ विड्रॉल पर कटेगा। दूसरा टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं कि जो फॉर्म नंबर 15G होता है वो कैसे आपने फिल करना है, और फॉर्म नंबर 15G फिल करते समय किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभ्राम सरोवा, आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितना परसेंट आपका टीडीएस आपके पीएफ विड्रॉल पर कटने वाला है। तो इसकी मिनिमम जो रेंज है वो 10% है और मैक्सिमम इसकी है 34%। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम इसमें आपका 10% कटेगा और मैक्सिमम इसमें 34% तक ये जा सकता है। मैक्सिमम जो टीडीएस डिडक्शन है, अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में अपना पैन नंबर अपडेट नहीं कर रखा है तो आप मैक्सिमम स्लेब में आ जाते हैं। जैसे आपने केवाईसी नहीं करा रखी, अपना पैन नंबर अपना पीएफ अकाउंट में दर्ज नहीं करा रखा है, तो आपका मैक्सिमम स्लैब में आएंगे आपका लगभग 34% के हिसाब से आपका पीएफ विड्रॉल पर आपका टीडीएस कटने वाला है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझिए, अगर आप अपना 1,00,000 रुपये तक का विड्रॉल करा रहे हैं तो अगर आप मिनिमम स्लैब में आते हैं, अपने आपने अपना पैन कार्ड वहाँ पर अपडेट किया हुआ है, तो आपका 10% के हिसाब से 10,000 रुपये वहाँ पर TDS के रूप में कट जाते हैं। अगर आपने अपना पैन कार्ड अपने PF अकाउंट में वेरीफाइड नहीं करा रखा है तो तब आपके लगभग 1,00,000 रुपये विड्रॉल पर 34,000 रुपये TDS के रूप में कट जाते हैं। यह रुपये आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न कर फिल करने के बाद आपका वापस भी आ सकते हैं, परंतु इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आपका जो साल के अंत में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको अपने अकाउंट में जो आपकी TDS के रूप में पैसे कटे हैं उसको आप अपने अकाउंट के रूप में मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको फॉर्म नंबर 15G फिल पहले ही कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 15G फॉर्म नंबर आपको किन केसों में फिल करना है। दोस्तों, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप अपना पीएफ का विड्रॉल कराने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आप अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा आपके पीएफ अकाउंट में है, 50,000 से ज़्यादा आप पीएफ अकाउंट से विड्रॉल कराने जा रहे हैं, तब आपने फॉर्म नंबर 15G जरूर फिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म नंबर 15G फिल नहीं करेंगे तो आपका TDS वहां से कट जाएगा। अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है और आप अपना पीएफ में विड्रॉल कराना चाहते हैं, तब आपको फॉर्म नंबर 15G फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस केस में आपका TDS नहीं कटेगा। इसके साथ ही अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल की बन रही, यानी आपने 3 साल एक कंपनी में काम किया और 1 साल का आपने गैप दे दिया, या इसके साथ ही आपने 2 साल किसी और कंपनी में काम किया, टोटल आपकी 5 साल की सर्विस हो रही है, तब भी आपने फॉर्म नंबर 15G आपने फिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सर्विस आपकी 5 साल से ज़्यादा की इसमें होनी चाहिए, नहीं तो आपका TDS वहाँ से कट जाएगा। अब बात कर लेते हैं किन केसों में आपको फॉर्म नंबर 15G फिल करने से छूट मिलेगी। अगर आपके किसी हेल्थ कारण से आपने कंपनी छोड़नी पड़ रही है तो उस केस में आपका TDS नहीं कटेगा। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट आपके कंपनी से टूट गया है, वो उसको छोड़कर चला गया है, तो उस केस में भी आपका TDS नहीं कटने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म नंबर 15G आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म नंबर 15G फिल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपने फॉर्म नंबर 15G फिल करना है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होने वाला है हमारा फॉर्म नंबर 15G। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इनकम टैक्स रूल नंबर 1962 फॉर्म नंबर 15G। तो इसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में आपने यहाँ पर देखना है नेम ऑफ एसेसरी, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, आपका नाम जैसे शुभम, तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना पैन नंबर आपने लिखना है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पूरा फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, आपकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर अपनी फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने अपना पैन नंबर लिखना है, तो पैन नंबर आपके कुछ भी हो वो आपने यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद में स्टेटस, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल लिखना है,
यहाँ पर इंडिविजुअल लिखना है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर फोर की, यहाँ पर प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन बी इज बीइंग मेड, तो यहाँ पर आपने अपना प्रीवियस ईयर लिखना है। तो जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इसका एक बात का आपने ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रेजेंट ईयर, तो इसमें आपने लिखना है जैसे अब 2020 चल रहा है तो 2020-21, तो प्रीवियस ईयर में आएगा 2020-21, यानी इसमें 2020 चल रहा है तो 2020-21 अगर अभी चल रहा होता तो 2021-22 इसमें आता है। तो यहाँ पर आपने जो फाइव नंबर वाला कॉलम है रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे आपने रेजिडेंस लिखना है, और जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन कॉलम में आपने अपना एड्रेस फिल कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, इसमें स्पेस कम मिलेगा तो आपने अपने हिसाब से स्पेस बनाना है और आपने यहाँ पर लिख लेना है। जो 13 नंबर वाला कॉलम है यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है, तो ईमेल आईडी भी आपने स्पेस कम है तो इसमें छोटे छोटे अक्षरों में आपने ईमेल आईडी लिखनी है। 14 नंबर वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। अब जो इसमें 15 नंबर वाला जो कॉलम है इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप टैक्स पे ही हैं, तो अगर आपने टैक्स पे ही हैं तो आप यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है, अगर आपका कोई टैक्स नहीं कटता है तो यहाँ पर आपने नो पर टिक करना है। तो जैसे आप टैक्स पे ही हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इफ यस, अगर आप इसमें यस कर रहे हैं तो लेटेस्ट असाइनमेंट ईयर ऑफ विच असाइंड, तो इसमें आपने असेसमेंट ईयर के बारे में बताना है। तो जैसे अभी 2020-21 चल रही है तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है इससे एक साल आगे, तो यहाँ पर आपने लिखना है 2021-22, ठीक है। अगर आप इसमें नो पर क्लिक कर देते हैं, अगर आप टैक्स पे ही नहीं है तो इसमें नो पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद में जो कॉलम नंबर 16 है इसमें आपने आपसे ये पूछ रहा है कि कितना पीएफ का विड्रॉल कराना चाहते हैं, यानी आपके पीएफ अकाउंट में कितने रुपए हैं तो उसका आप विड्रॉल कराने जा रहे हैं। तो आपने अपनी पासबुक में से देखना है कितना आपका पीएफ जुड़ता है, वो आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। अभी बात कर लेते हैं इसमें 16 नंबर वाले कॉलम की, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, इसका मतलब अगर आप पीएफ विड्रॉल करा रहे हैं तो आपकी जो पीएफ अकाउंट में कितना अमाउंट है उसका आप विड्रॉल करा रहे हैं, तो आपने अपना पीएफ अमाउंट देखना है अपनी पासबुक के द्वारा, उसके बाद में आपने यहाँ पर फिल कर लेना कितने अमाउंट पर आप पीएफ विड्रॉल करा रहे हैं। तो जैसे हमारा टोटल अमाउंट 70,000 रुपये जुड़ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70,000 रुपये हम पीएफ से विड्रॉल करा रहे हैं। उसके बाद में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मैनेटेड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका इसके अलावा कितना रुपए आपके इनकम है एक साल की, जो प्रीवियस ईयर की कितनी इनकम और है, तो इसके अलावा यानी ये तो आपका 70,000 तो है ही, इसके अलावा उस साल आपकी कितनी इनकम और जुड़ती है, तो आपने यहाँ पर जितनी भी आपकी इनकम जुड़ती है वो यहाँ पर फिल कर लेनी है इसको जोड़कर। जैसे हमारी इनकम इसमें 1,00,000 रुपये और है तो वो 1,70,000 रुपये हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, 1,70,000 हमने यहाँ पर फिल कर ली, यानी 1,00,000 रुपये हमारी इनकम थी और 70,000 हमारे पीएफ के, तो यानी 1,00,000 रुपये 70,000 यहाँ से हमने फिल कर लिया। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, 2,50,000 से ऊपर इसकी इनकम टोटल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2,50,000 से ऊपर अगर आपकी हो जाती है तो इस स्लैब में नहीं आते हैं, आप फॉर्म नंबर 15G फिल नहीं कर सकते हैं, तो 2,50,000 से ये नीचे ही होनी चाहिए। उसके बाद में डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल बी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई और 15G फॉर्म फिल किया है, जैसे आपने कोई बैंक में FD करा रखी है वहाँ कोई आपने फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, तो आपने यहाँ पर ना कर देना है। अगर किया है तो आपने यहाँ पर यस क्लिक करना है, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल्ड, कितने फॉर्म नंबर 15G आपने फिल्ड किए हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद में आपने टोटल अमाउंट बताना है, जैसे आपने यहाँ पर दो किए, एक बैंक का और एक ये, तो इसमें दो करके और उसकी जो टोटल इनकम है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे केस में एक ही है तो यहाँ पर एक करते हैं, टोटल इनकम हमारी बन रही है 1,70,000, तो यहाँ पर हमने 1,70,000 कर दिए।
अब देखते हैं जो 19 नंबर वाला फॉर्म है उसमें डिटेल्स ऑफ इनकम विथ डिक्लेरेशन टू फील्ड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखना है, यहाँ से यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका पीएफ नंबर और यूएन नंबर, तो आपने यहाँ पर पीएफ नंबर लिखना है। पीएफ नंबर जो भी आपका हो, जैसे आप पासबुक डाउनलोड करते हैं उस पर आपका पीएफ नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे HRFB उसके बाद स्लैश जो पीएफ नंबर आपका है और जो आपका कोड है वो आपने यहाँ पर भरना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, पीएफ नंबर कुछ इस प्रकार का आपका होगा, वो पीएफ नंबर यहाँ पर भरना है। नीचे आपने यूएन नंबर, जो भी आपका यूएन नंबर है वो आपने भरना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपने यूएन नंबर भी यहाँ से फिल कर लेना है। नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आपने लिखना है पीएफ विड्रॉल, पीएफ विड्रॉल यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपने इस वाले कॉलम में लिखना है, सेक्शन देना है SECTION सेक्शन 192A, यहाँ पर ये लिखना है सेक्शन 192A। अमाउंट ऑफ इनकम, तो आपने यहाँ पर कितना पीएफ विड्रॉल करा रहे हैं वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखना है, तो 70,000 रुपये हम यहाँ पर विड्रॉल करा रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पीएफ वाला ही अमाउंट यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद में आपने यहाँ पर साइन करना है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो यहाँ पर आपने साइन कर लेना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, वी और आई के बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है हमारी 2020-21, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अभी जो 2020 चल रही है तो यहाँ पर 2020-21 आएगा, उसके बाद असेसमेंट ईयर में आएगा 2021-22, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपने लिखना है प्रीवियस ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर अपने साइन कर लेने हैं, यहाँ पर प्लेस डालना है, जो भी प्लेस है अपना, और यहाँ पर डेट डालनी है जो डेट है, और इसको आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपने पीडीएफ के रूप में जब आप पीएफ विड्रॉल कराने जाते हैं उस समय वहाँ पर लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से सिंपली आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है और अपने पीएफ अकाउंट में जब आप विड्रॉल कराने जाते हैं उस समय आपने लगा देना है। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।